जस्ट अभी आया मार्केट से ओरियो के लिए पनीर लेके, खाना ही नहीं खाया इसने सुबह से। देखते हैं ये खाएगा नहीं खाएगा। इसको लास्ट टाइम पनीर दियो बहुत टाइम हो गया, तो बदल बदल के देते रहते हैं इसको। उठने के बाद सबसे पहला टास्क हमारा होता है कि ओरियो को खाना अच्छे से दे दे, वो खा ले ताकि हमारी टेंशन चली जाए। ठीक है, ओरियो खाएगा पक्की बात है। नहीं अभी तो नहीं खा रहा है, बट थोड़ी देर में खुद ही खा लेगा। किसी को खाना खाते हुए देख मुझे इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। बिजी बाय द वे गाइस, स्टार्टेड ए न्यू ड्राइंग जो कि आउटलाइन थोड़ी बहुत बना लिया मैंने। देखो येरी, रहने दे, खराब नहीं करनी ड्राइंग गाइस। मतलब मेरे साथ रह के ये आज तक कितना अच्छा आर्टिस्ट बन जाता। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ ये बात भी सही है, जो इस चीज में इंटरेस्ट हो वही काम करनी चाहिए। इसको बेइज्जती कराने में इंटरेस्ट है तो ये वही काम करूंगा। और आजकल बहुत वीडियोस बन रही हैं, है पीयूसी, सब पीयूष 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 कर रहे हैं, कह रहे हैं इसका चैनल पीयूष की वजह से चल रहा है, सिर्फ पीयूष की वजह से, सिर्फ पीयूष की वजह से। अबे यार हाँ मुझे पता है मेरा चैनल सिर्फ पीयूष की वजह से चल रहा है, दैट इज रियलिटी। तो मैं क्या करूँ, मेरा चैनल अब पीयूष की वजह से चल रहा है तो क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है, आप खुद बताओ। आपकी गलती है। ले तू ही बना वीडियो, मैं नहीं बनाऊंगा आज से, लोगों को सिर्फ पीयूष देखना है। ले तो गाइस आज से सरदा ने ये ऐलान कर दिया कि मैंने चैनल छोड़ दिया है, तो रहने दे तू। इतनी मुश्किल से ये बाहर भाग जाता है, इतनी मुश्किल से मैं अंदर बुलाता हूँ इसको, कैमरा उठाने के चक्कर में भारी हो गया ऐसे करता है ये ब्लॉग बनाएगा ये। बट हाँ थोड़ी बहुत जो हरकतें करता है वो मुझे शूट करनी पड़ती है सारी मैं करता हूं। और उस तरह से मुझे एडिट करनी पड़ती है ताकि आप देख पाओ। तो गाइस मैं क्या काम करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, मैं करता हूँ शूट, किस तरह शूट करना है ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे, कि ऑडियंस छोड़ के ना जाए। ये बहुत जरूरी होता है पता है आपको। आप लोगों को लगता है कि पीयूष चला रहा है, चलो कोई बात नहीं, हाँ वो है, बट स्टिल किस मोमेंट को किस तरह से कैमरे में किस एंगल से कैप्चर कर पाता हूँ कि आप लोग देखते हो, वो आप नहीं सोचते। सेकंड चीज एडिटिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वीडियो मेरी बनती है 1.5 घंटे की, उसको मैं सिर्फ 10 मिनट की बना देता हूँ ताकि सारे सीन काट देता हूँ, ताकि आप लोग बोर ना हो, ओनली 1-1 सेकंड का सीन हो चाहे लेकिन सही लगे देखने में। और 3-3 कैमरे किस तरह से हैंडल करने हैं, मोटो ब्लॉग किस तरह से करना है, और साथ में अपना आर्ट का काम तो है ही, ड्राइंग एडिटिंग उसकी भी अलग होती है। और फेक ओरियो भी आ रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, मैं देख रहा हूँ, मतलब सेम ऐसे ऐसे डॉग दिखा रहे हैं काफी लोग। तो गाइज ओरियो यही है हमारा ओरियो। तो एक वीडियो और किसी की वीडियो पे ट्रस्ट मत करना, हमारा ओरियो सिर्फ हमारे साथ में रहता है, हमारे घर में। देखो ये रहा। तो गाइज मुझे क्या रीजन लगता है मेरे चैनल ग्रो होने का, बिकॉज स्टार्टिंग में ना एक पुश चाहिए होता है 1 लाख सब्सक्राइबर तक, जो कि मैंने अपने आर्ट से किए हैं। स्टार्टिंग में जो मेरी वीडियोस वायरल गई थी वो आर्ट से रिलेटेड ही थी, मैंने फैमिली के साथ में बनाया था, मैंने खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था, मम्मी का बनाया था, और मैं कुरुक्षेत्र गया था, कॉमिकॉन गया था, इंडिया आर्ट फेयर गया था। बट उसके बाद थोड़ा डेली व्लॉगिंग शुरू हुई, तब आप लोगों को पसंद आया तो और चैनल ग्रो हो गया, मुझ में भी जुनून आ गया था कि सारदा व्लॉग करते हैं, ऐसे मैं भी करूँगा। हाँ तो ये रीज़न होता है, ऐसा नहीं है कि ओनली पीयूष है, ओनली ओरियो है, ओनली मैं हूँ, ओनली मेरी फैमिली है, सबका मेन योगदान है। अगर एक भी नहीं होगा ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है। ओनली अगर मैं पीयूष को कैमरा पकड़ा दूँ तो पूरा ब्लॉग बोरिंग है, ओनली अगर और जो दिखे तो पूरा ब्लॉग बोरिंग होगा, पूरी फैमिली होगी, सब होंगे, तभी ब्लॉग मस्त बनेगा। तो ये मुझे लगता है मेन रीज़न। अगर आपको भी ग्रो करना है एज ए यूट्यूबर तो आपको अपना कुछ कंटेंट दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि ओनली हमारी देर जैसे कि पीयूष है, आप डॉग ले लो, कोई बच्चे ले लो, ऐसे ग्रो नहीं होगा। आप चाहे क्या करते आप बच्चे ले लो, अरे बच्चे मतलब पीयूष की तरह बच्चे ले लो, अरे गाइस वो मतलब नहीं, गलत मतलब बस समझना, बच्चे ले लो तो अभी का सीन ये है, मम्मी का सरप्राइज लेने जा रहे हैं, जो कि सरप्राइज नहीं रहा, मम्मी को बता दिया, बिकॉज मम्मी अपने पसंद से लेके आएगी, काफी टाइम से बोल रही थी मम्मी को चाहिए एक बेड, मम्मी का बेड बुक करके आ चुके हैं। तो मम्मी जी मम्मी खुशी बात ऐसी है, पापा जी का मन कर रहा है समोसे खाने का, तो अभी हम आ रहे थे तो पापा जी बैठे थे पीछे से, 5 रुपए के समोसे, पापा रोक रोक मुझे समोसे लेने, 5 रुपए के समोसे। मैंने कहा उसका भी खर्चा से लेगा, औरों के बारे में तो सोचो बेटा, बड़े होकर घर सब जाओगे, छोटू को कौन देखेगा, हम लोग नहीं, उनका भी तो चलेगा खर्चा मानी कर। चलो चले चले फिर लेने, चलो गाइस चलते हैं, अब तो पक्का 5 रुपए वाले समोसे लेके आते हैं, 5 रुपए वाले समोसे देखते हैं कैसे होंगे, आपको टेस्ट करके बताएंगे। क्या कर रहे हैं ये? नहीं नहीं प्रमोशन नहीं, प्रमोशन अभी नहीं, गाय के लिए रोटी है देखियो, है सिर को सहला दियो, गेट तो बंद कर ले, नया मास्क गाय अंदर घुस जाती है गाइस, एक दिन घुस गई थी अंदर जाके, पता नहीं क्या क्या काम खराब कर दिया था, गोबर भी कर दिया था अंदर, तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेते, गेट बंद ही रखते हैं। कितने ले, कितने के है? 10 के 3 जाओ, उन्होंने पैक कर दिया, ले ले, मैं बाइक तो घुमा लूँ इतने। हेलो 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 हेलो, ओए ओए
क्या हुआ आंटी जी? आंटी डंडा उठा के मारने के लिए रेडी। हेलो लिया जी, सरदा आगे हैं ओलू। यार इसका मुंह सेमोइड की तरह लगता है, देखना। पापा जी के लिए समोसे ले आए हैं। पापा जी आपकी मनोकामना। हंस क्यों रहा है दिखाइयो। तो ये समोसा है, तो ये समोसा है छोटा सा। तो ये है 10 रुपए के 3 समोसे और मतलब छोटे छोटे हैं। तो आज फर्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे 10 रुपए के 3 समोसे पापा जी कहने पे। समोसे ले लो, समोसे गरम गरम समोसे सौदा चला। बट स्टिल बिल्कुल हेल्दी हैं, उसी टाइम हमको बना के दिए उन्होंने। कहाँ मिले इतने बड़े? बहुत बड़े हैं। पकड़ के देखो, रात में बिठा दे। ये 5 रुपए तो भी मैं जा रहा हूँ फाइनल पेमेंट करने मम्मी जी के बैड की, बिकॉज अभी देखो अंधेरा होने वाला है, अभी तक भेजे नहीं उन्होंने। पेमेंट करके जल्दी से मैं ले ही आता हूँ। मम्मी जी बहुत टाइम से वेट कर रही है मम्मी कि मम्मी जी को बैड चाहिए था। वेट कर रही है कितने सालों से? आज से थोड़ी, सालों से वेट कर रही है मम्मी। और आज मैंने बोला आ रहा है तो मम्मी तब से वेट कर रही है। अभी अंधेरा होने वाला है, टाइम क्या हो गया, 5:30 हो गया। तो चल चल चलते चलते हैं पीयूष और मैं चलते हैं। सर दम में ले आएंगे अभी। क्या हॉर्लिक्स का डिब्बा भी ले आएंगे हम दोनों? ऐसे है नहीं, कहां से लाओगे उसके देने के लिए? पूरे नहीं हो, 400-500 का आएगा वो। क्या पता नहीं कितने का आएगा, 400-500 का, फिर 200-300 का आएगा, 200 का, 200 का। हाँ मेरे पास बेड के लिए पूरे नहीं है, खाली सामान लेना है, मेरे को निकालने पड़ेंगे। परसों आएगा, अरे निकालने पड़ेंगे पैसे पीयूष जी, समझा कर। हो गया अंकल जी रेडी। गाइस सिंपल सा बेड ले रहे हैं हम, इस टाइप का कुछ पेमेंट वगैरह कर दिया हमने, अब आ जाएंगे थोड़ी देर में। इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, भूल कर भी कोई भूल हो ना। हेलो, सारे सब्सक्राइबर हैं, बढ़िया, इतने सारे सब्सक्राइबर, वाह, ये तो अभी तक हर एक मिनट पे करते रहते हैं। अच्छा बाय। अबे मत करो, गिर जाएंगे हम ऐसे। यार देख पीछे से भागते हैं ना, ये पीछे से ऐसे भागना नहीं चाहिए, नहीं ऐसे नहीं भगानी चाहिए, लग जाएगी यार तुमको भी उनको भी। एक पिक ले सकते हैं क्या? एक पिक ले सकते हैं। हाँ हाँ जरूर। आप फॉलो कर रहे थे? नहीं मैंने एकदम से देखा, मैं भैया हैं। हेलमेट उतारू क्या? कम से कम एक दिन में 10 देखता हूँ। एक दिन में 10 व्लॉग तो मैं तो डालता ही एक हूँ। अच्छा पुराने देखते होगे? चलो वो अच्छा अच्छा देख लिए। देखो देखो गाइस, ओरियो को देखने। क्या नाम है आपका? तिक्षु। तिक्षु ओरियो से खेलना है? आ जाओ ओरिया जी, सादा आगे हो इधर, कितना क्यूट लग रहा है यार कपड़ों में। ओरियो बड़े में इसलिए गए। तो गाइस बात ऐसी है, ये रूम पूरा खाली कर दिया, बिकॉज़ जो हमारा नया वाला बेड है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ नहीं आएगा, ये साहिल का रूम है, यहाँ पे साहिल सोता है रात को। नीचे से 2 सोफों को मैं ऊपर ले आया, तो देखो एक ये है एक ये है, इनको यहाँ पे लगा लेंगे। बेड का बताओ कैसा फील हो रहा है आपको? अब तो सारा सामान डाल दोगे, सारा सामान बेड के अंदर है। तो गाइस न्यू बेड सेट हो चुका है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ना मैं अपना कैमरा भी रख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे रखने का स्पेस है काफी बढ़िया। तो देखो मतलब काफी सही लगा, बहुत बड़ी बात कह दी सर जी आपने। तो अब से आपको हमारे व्लॉग्स में ये एंगल भी देखने को मिलेगा, अगर हमको पूरी फैमिली को साथ में शूट करना है तो बेड पे बैठ के आराम से शूट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा बेड दिख रहा है, हम सब दिख रहे हैं। देखो ये नया एंगल है ना, कभी नहीं आया। चलो अब चलते हैं अपने स्टूडियो में और वहाँ पे मैं सोफे सेट करता हूँ। सोफे ऊपर ले गया मैं यहाँ से, नए नए बेड पे बैठ के
टीवी देखूंगा। अब ये मत बोलना टीवी चेंज कर लिया, बिकॉज ये हमारा फेवरेट टीवी है, ये हमारे बहुत स्ट्रगल टाइप का टीवी है, मतलब इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते हम। तो सारे काम हो चुके हैं, बेड सेट हो चुका है यहाँ पे, अब हम करेंगे डिनर। डिनर में है रोटी और सब्जी। मैं सोच रहा हूँ डाइनिंग टेबल ले लूँ, यहाँ पे जगह खाली पड़ी है देखो ये वाली पूरी, तो यहाँ पे छोटा सा एक डाइनिंग टेबल आ सकता है यहाँ पे, और तो हमारे पास जगह है नहीं, तो देखते हैं जो भी सीन रहेगा। फिलहाल अभी हमारा डिनर चल रहा है और साथ में यहाँ पे ओरियो बैठा है बेड पे और देखे जा रहा है हमको। फिलहाल ये टीवी में क्या चल रहा है, टीवी में क्या देख रहे हैं, क्या एड? इसका बिल्कुल मासूम फेस देखो, कितना मासूम फेस बना रखा है इसने, और मेरा कैमरा यहाँ पड़ा है बट इसको छेड़ता नहीं है बिल्कुल भी। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि चीजों को छेड़ता नहीं है ये। किसका पानी, मेरा है, मेरा मेरा दे दे, दे भाई नहीं दे दे यार, प्यास लग रही है, दे दे थोड़ा सा, दे दे आधा, दे दे ओलू, इसने मेरे को मेरा पानी नहीं दिया। और ये अभी बीच में अड़ रहा है पीयूष के, देख ही नहीं पा रहा पीयूष, ओलू साइड हो जाओ थोड़ा। गाइस देखो ओरियो भी टीवी देख रहा है, मम्मी जी ओरियो को देखो टीवी देख रहा है। तो अभी 11:38 हो रहा है, हमारा ब्लॉग एडिट हो चुका है फाइनली। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो अब से आपको हमारे ब्लॉग्स में ये वाला एंगल भी देखने को मिलेगा। मम्मी क्यों बोल रही है, मम्मी चुप हो जाओ, चुप चुप चुप, दोनों बोलने में लगे, लड़ाई करने में।